नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद कर्ण जी के यहाँ पर आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर 2020 और आज हम 7 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जी के पढ़ेंगे। और हमारी आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने फुटबॉल का पहला प्रशिक्षण मोबाइल ऐप किस नाम से जारी किया है। खेल मंत्रालय ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण मोबाइल ऐप किस नाम से जारी किया है। तो इसका आपका आंसर है ई एन जोगो। भाई, खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए ये भारत के खेल मंत्रालय ने पहला मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसका नाम है ई एन जोगो। किस खेल का ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए भाई, फुटबॉल का। अब फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, अगर ये पूछ ले भारत का पहला महिला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र है, भारत का पहला महिला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पे खोला गया अभी, यह आपका खोला गया है बेंगलोर में। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र है महिलाओं के लिए कहाँ पे खोला गया, बेंगलोर में। अगर यह पूछ लें भारत की पहली पेशेवर महिला फुटबॉलर, भारत की पहली पेशेवर महिला फुटबॉलर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, मंजू बाला को है भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका मंजू बाला भी आ सकता है या आपका बाला देवी भी आ सकता है भाई। तीसरा पॉइंट बनेगा आपका फीफा रैंकिंग 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। फीफा रैंकिंग 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारतीय टीम कौन से नंबर पे हुई, 108वें नंबर पर। चौथा पॉइंट बनेगा भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, भारत के पहले फुटबॉल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर होगा भाई सुनील छेत्री भाई। ये पहला क्वेश्चन था, फुटबॉल का पहला प्रशिक्षण मोबाइल ऐप किस नाम से जारी किया गया है, ई एन जोगो के नाम से भाई। पहला महिला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर में, पहली पेशेवर महिला बाला देवी, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान 108वां, भारत का पहला फुटबॉल रत्न जो प्राइज है वो किसे मिला भाई, सुनील छेत्री को। अगला क्वेश्चन है भाई, किस महारत्न कंपनी ने AIMA चाणक्य मैनेजमेंट पुरस्कार जीता है। महारत्न कंपनी ने AIMA चाणक्य मैनेजमेंट पुरस्कार 2020 जीता है, तो किस महारत्न कंपनी के द्वारा जीता गया अभी। इसका आंसर है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भाई, एनटीपीसी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया भाई। AIMA का मतलब होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन भाई। तो सबसे जो उद्योग के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा प्रबंध कार्य है वो किसने किया है, एनटीपीसी ने, इसलिए एनटीपीसी को ये पुरस्कार मिला है भाई। जो एनटीपीसी है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, गुरदीप सिंह भाई। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए थे भाई। उसके अंदर अगर ये पूछ लें 2019 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस महारत्न कंपनी को दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ONGC को 2019 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया भाई।
ONGC भी एक मारथन कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में भाई। तो भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनी है भाई? 10। कुल कितनी मारथन कंपनी है? 10। नवरत्न पूछ ले तो कितनी है? 14। और मिनी रत्न पूछ ले तो कितनी है? 73। कितनी है भाई? 73। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में जारी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग, हाल ही में लॉन्च हुई प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग द कानून @40 ब्रेकिंग द कानून @40 पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? काफी चर्चा में पुस्तक रही है, तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन? आपके राधा नायर। किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया अभी? राधा नायर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जिसका नाम है ब्रेकिंग द कानून @40 भाई। किसके द्वारा लिखी गई? राधा नायर के द्वारा भाई। पिछली वीडियो में भी हमने 5 पुस्तक पढ़ी थी, आज भी हमें 5 पुस्तक पढ़ेंगे भाई। एक तो ये पुस्तक होगी करंट की, इसके अलावा जो पिछले अगस्त महीने में या जुलाई महीने में कौन कौन सी पुस्तक जारी हुई है उनके बारे में एक बार चर्चा करेंगे भाई। अगर ये पूछ ले मिसिंग इन द एक्शन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मिसिंग इन द एक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई भाई चंदर डोगरा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो भारतीय सैनिक गायब हो गए थे, मिस हो गए थे, उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मिसिंग इन द एक्शन चंदर डोगरा के द्वारा। दूसरा भाई ए विनिंग शिक्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके राइटर हैं W.V. रमन। किसके द्वारा लिखी गई? W.V. रमन के द्वारा। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है भाई, और भारतीय महिला क्रिकेट के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है ए विनिंग शिक्षर भाई। अगला है भाई द विजेंड सीरीज भाई। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, और इस पुस्तक के लेखक है वेस्ले किंग। इस पुस्तक के लेखक है वेस्ले किंग भाई। और ये जो पुस्तक है ये अमेरिका के महान बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट उसकी जीवनी है भाई, जिनका एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। तो ये क्वेश्चन 100% पूछ सकते हैं भाई, दी विजेंड सीरीज पुस्तक के राइटर कौन है? वेस्ले किंग। किसके ऊपर आधारित है भाई? ये कोबे ब्रायंट। अगले पुस्तक है भाई एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल्स डेमोक्रेट भाई। एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल्स डेमोक्रेट ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? कलिंग फाउंडेशन के द्वारा भाई। किसके द्वारा जारी की गई? कलिंग फाउंडेशन के द्वारा। और जो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनके पिताजी की जीवनी है भाई एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल्स डेमोक्रेट। किस फाउंडेशन के द्वारा? कलिंग फाउंडेशन के द्वारा भाई। ब्रेकिंग द कानून @40 पुस्तक किसने लिखी? राधा नायर। मिसिंग इन द एक्शन किसने लिखी? चंदर डोगरा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध है वो किस देश से है? हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो इनका संबंध है भाई इंग्लैंड से। इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 सितंबर को संन्यास लेने की घोषणा की है भाई, इयान बेल। कहाँ से संबंधित है भाई? ये इंग्लैंड से भाई। इसके अलावा भी 2020 में काफी खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है, कौन कौन से खिलाड़ी है? सबसे पहले तो अगर पूछ रहे धोनी का संबंध किस खेल से भाई? क्रिकेट से। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के। उसके बाद सुरेश रैना का संबंध किससे है? क्रिकेट से। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया से। तीसरा भाई रजत भाटिया भी क्रिकेट से, और ये भी कहाँ के रहने वाले भाई? इंग्लैंड के। अगला है इमरान ताहिर ये भी क्रिकेटर हैं, और ये कहाँ के रहने वाले भाई? दक्षिण अफ्रीका के। अगला है
जेपी डुमिनी ये भी क्रिकेटर है, रहने वाले दक्षिण अफ्रीका के भाई। अगला भाई शोएब मलिक भाई, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की भाई। इसके अलावा भी यहाँ पे दो नाम याद रखना, एक नाम तो आप याद रखना डेविन ब्रावो और दूसरा नाम याद रखना आप जेम्स एंडरसन। जो डेविन ब्रावो है वो T20 में 500 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बना है जो कि वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है। डेविन ब्रावो T20 में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज है, और जो जेम्स एंडरसन है ये टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बना है, और ये कहा गिराने वाला भाई ये रहने वाला आपका इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन है भाई शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, तो इसका आंसर होगा 47। रामनाथ कोविंद के द्वारा कुल 47 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए गए भाई शिक्षक दिवस के अवसर पर। अगर कुल की संख्या पूछ ले तो कितनी, 47। अगर ये पूछ ले टीचर ऑफ द ईयर है, ये किसे चुना गया, डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया भाई, और ये देहरादून की रहने वाली है। अगर ये पूछ ले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, किसे दिया गया, तो ये आपका मिला सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का जो प्राइज है वो दिया गया भाई, और टीचर्स ऑफ द ईयर किसे, डॉक्टर राजकुमारी चौहान को, और कुल कितने पुरस्कार दिए गए, 47। जो शिक्षक दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। इस दिवस के साथ साथ एक दिवस और मनाया जाता है भाई, जिसका नाम है चैरिटी दिवस भाई। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के अवसर पर यह चैरिटी दिवस मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अगर ये पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है भाई किस देश ने कैलेंडर डायरी और जो त्योहार ग्रीटिंग जो कार्ड होते हैं उनकी छपाई पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा की है। किस देश के द्वारा कैलेंडर डायरी व त्योहार ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा भाई भारत। भारत देश ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो कैलेंडर डायरी और जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं उनकी छपाई के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है भाई। किस देश के द्वारा, भारत के द्वारा भाई, डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो ये प्रतिबंध है ये लगाया गया है भाई। अगर ये पूछ ले डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी भाई। अगर ये पूछ ले भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है, तो जो भारत का पहला डिजिटल राज्य वो बना आपका केरल। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना, केरल। अगर ये पूछ ले भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना, भारत का पहला डिजिटल गांव है वो कौन सा बना भाई, तो आपका आंसर होगा अकोदरा, और ये कहाँ पे है, गुजरात में। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना, अकोदरा गुजरात है। अगर ये पूछ ले हरियाणा का पहला डिजिटल गांव तो कौन सा बना आपका, गुराउड़ा, और ये कहाँ पर है, रेवाड़ी जिले में गुराउड़ा। ये हरियाणा का तो पहला डिजिटल गांव बना और पूरे भारत का ये 5वां डिजिटल गांव बना भाई। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई, 1 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन है भाई टेबल टेनिस विश्व कप
2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना भाई, चाइना या चीन में टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन किया जाएगा। टेटे विश्व कप 2020 भी पूछ सकते हैं भाई, किस देश में होगा? चाइना के अंदर भाई। और एक दो दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नौसेना वाला देश कौन सा बना है भाई? चाइना। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी नौसेना है किस देश की है? चाइना की। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अमेरिका भाई। और टेबल टेनिस विश्व कप 2020 किसने जीता? चाइना ने। चांद के ऊपर कपास का पौधा उगाने वाला भी पहला देश कौन सा बना? चाइना। अपने लिए कृत्रिम चांद स्थापित करने वाला देश भी कौन सा बना भाई? चाइना भाई। अब टेबल टेनिस का जिक्र आया है, और अगर ये पूछ ले मनिका बत्रा जो भारतीय खिलाड़ी है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उसका संबंध किस खेल से है भाई? टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस का विश्व कप 2020 है वो कहां पे होगा आपका? वो होगा आपका चाइना के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का पहला मैच कब और किन दो टीमों के मध्य खेला जाएगा? आईपीएल 2020 का पहला मैच कब और किन दो टीमों के मध्य खेला जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा जो पहला मैच है वो कब खेला जाएगा? 19 सितंबर को भाई। 19 सितंबर से आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाएगी। और जो पहला मैच है किन दो टीमों के मध्य होगा? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग भाई। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, कप्तान पूछ रहे तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बीच मैच खेला जाएगा भाई। आईपीएल 2020 है ये कहाँ पे हो रहा है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भाई। और आईपीएल 2020 का प्रायोजक है वो कौन बना है? ड्रीम इलेवन वो इसका प्रायोजक बना भाई। इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? एन अकेडमी। और जो आईपीएल 2020 है वो यूएई के तीन शहरों में खेला जाएगा। एक शहर तो आपका शारजा अबू धाबी और तीसरा आपका दुबई। शारजा अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा भाई आपका आईपीएल 2020 भाई। अगर ये पूछ ले आईपीएल 2020 के कमिश्नर कौन है? आईपीएल 2020 के कमिश्नर कौन है भाई? राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है भाई किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विधवा महिलाओं को जमीन और गैर खेती जमीन पर कृषि और गैर कृषि जमीन के ऊपर अधिकार देने की घोषणा की है भाई। मान लो कोई हिंदू महिला है और विधवा है तो उसका जमीन और जो कृषि योग्य जमीन है उसके ऊपर पूरा अधिकार मिलेगा भाई। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है? बांग्लादेश। जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश है, उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है भाई। और ये जो घोषणा है ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने की है जिसका नाम है शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भाई? अब्दुल हमीद। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है भाई? संप्रति। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? संप्रति भाई। ये था आपका आज के लिए 7 सितंबर 2020 की करंट जीके भाई। लास्ट में आपके लिए 3 क्वेश्चन है, अगर ये पूछ ले पहला क्वेश्चन भाई नीला मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? नीला मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दूसरा आपका महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कौन से नंबर के टेस्ट कप्तान बने थे? महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टेस्ट की टीम के कौन से नंबर के कप्तान बने? तीसरा भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी? द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।